लोरमी के नवोदी धान संग्रहण केंद्रों में मनमाने तरीके से हमाली दर बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कार्य बंद करने से रईस मिलरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। हमाली ठेकेदार बिलासपुर जिले में 3.5 रुपए की दर पर लिखित सहमति दे रहे हैं, वहीं लोरमी में 4 रुपए की दर पर अड़ी है, जिससे संग्रहण से धान उठाव का कार्य प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को नवाडी संग्रहण केंद्र में इस मांग को लेकर हमाल अड़े रहे। धान संग्रहण केंद्रों में हमाली का कार्य ठेके पर दिया जाता है। राइस मिलर धान उठाव के लिए निविदा के आधार पर निर्धारित हमाली दर का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन बिचौलियों की मनमानी की वजह से उन्हें निर्धारित से अधिक दर पर भुगतान करना पड़ रहा है। इसका लाभ भी बिचौलिये उठा रहे हैं। वही दबाव में है मजदूर, मजदूरों को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा। पिछले 4 वर्षों से चल रही मनमानी के विरोध में राइस मिलर ने प्रशासन से गुहार लगाई है। तब जिला कलेक्टर की पहल पर जिला फूड कंट्रोल एफओ कार्य नियंत्रक की टीम धान संग्रहण केंद्र में पहुंचकर सभी की उपस्थिति में 3.5 रुपए की दर पर भुगतान करने पर सहमति बनी, लेकिन जिस ठेकेदार ने बिलासपुर जिले के भरनी धान संग्रहण केंद्र में 3.5 रुपए की दर पर लिखित सहमति दी है, वही ठेकेदार मुंगेली जिले के लोरमी में 4 रुपए की दर के लिए भ्रम पैदा करने के बाद को लेकर स्थिति उत्पन्न हुई। वही हमालों का कहना है कि 360 पैसे प्रति बोरा और 250 अतिरिक्त भार के साथ रेट तय हुआ था। 12 चक्के ट्रांसपोर्टिंग वाहन पर अब आलम यह है कि 60 पैसे माइनस कर 14 चक्का वाहन में ज्यादा ओवरलोड 24 टन कराया जा रहा है और भुगतान कम और राइस मिलर्स के द्वारा दबाव डालने की बात कही। पूरे मामले को लेकर राइस मिलर्स ने प्रशासन से निराकरण के लिए गुहार लगाया, जिसे मुंगेली जिला कलेक्टर की ओर से तत्काल संज्ञान में लिया गया और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। महज कुछ ही दिन और धान की उठाव नहीं होती तो शासन को होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसान से नहीं बचाया जा सकता था। पाँच सौ बोरा 2 चक्का में दे रहा हूँ, उसको मैं दूंगा 650। मैं 14 चक्का में दूंगा और 550 12 चक्का में दूंगा। फिर बोल रहा है 620 बोरा 12 चक्का में दो और 750 बोरा 14 चक्का में दो और 500 बोरा 10 चक्का में दो। हिमाली के रेट मोड़ तय हो रही से 3.60 रुपया ठेकेदार से और 250 रुपया चाय पानी, ये ठेकेदार से मेरा बात हुआ था। और उसके बाद मेरे को मिल रहा है 3.5 रुपया और 200 रुपया चाय पानी, कटौती कर दिया है जो है संग्रहित है और इसको हम मिलर सब उठा के और कस्टम मिलिंग करके इसका चावल गवर्नमेंट को वापस करते हैं। और ये हर साल की एक प्रक्रिया है कि जब धान यहाँ से प्रारंभ होता है उस समय जो है हमाली को रेट के ठेकेदार से तय करने के लिए एकत्रित होते हैं। उसी प्रक्रिया में जो है आज सब अधिकारी भी जिले के उपस्थित हैं, हम लोग भी आए हुए हैं और एक सामान्य सी बात करके और दर तय कर देते हैं, उस पर लोग काम प्रारंभ कर देते हैं। जो हमालों द्वारा जो है 3.5 रुपए की मांग की गई थी 3.5 रुपए स्वीकृत कर दिए गए और काम कर ही रहे थे, पर एक ठंडी को चाह रहे थे कि ऐसा तय हो जाए, तय हो गया। अब उसमें गया आता है तो प्रारंभिक जब उठाव प्रारंभ हो चुका है, सभी मिलर और हमाल और जो उनके ठेकेदार वगैरह रहते हैं ये सब मिल गए रेट तय किए हैं। और वैसे तो प्रारंभ पहले स्कूल से ही उठाव हो रहा है और त्वरित गति से इसका बरसात के पूर्व जो है इसे उठाव करने के लिए निर्देश दिया गया। नहीं ऐसा वैसे कोई बात नहीं है, सामान्य तरीके से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है और इसको जो है बरसात के पूर्व जो है इसको इनको निर्देश दिया गया कि बरसात के पूर्व राइस मिल द्वारा उठाव किया जाए और ठेकेदार द्वारा इनको धान दिया जाए। कोरोना से जंग अब भी जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मामला गंभीर है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more, please subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.